प्रिय विद्यार्थियों, हम इस समय किरातार दुनिया की ओर गति कर चुके हैं। आपको कल महाकवि भारवी की किरातार दुनिया महाकाव्य का परिचय करवाया था। एक वीडियो में अभी इस प्रकार के प्रारंभिक जानकारियां दी जाएंगी, महाकवि के काव्य शैली, विषय वस्तु, उनके जीवन परिचय। इससे कृतिकार, उस महाकाव्य को रचने वाले उस महाकवि का या कृतिकार का परिचय जानना भी बहुत आवश्यक होता है। हम उनके महाकाव्य को पढ़ेंगे, उसमें निहित जीवन मूल्यों की बात करेंगे, समझेंगे, उसकी विषय वस्तु को समझेंगे, उनसे मिलने वाली प्रेरणा, उन श्लोकों में जो प्रेरणा है, जो जीवन मूल्य है, जो शिक्षाएं हैं, संदेश हैं, जो जीवन में काम आ सके और जीवन की समस्याओं का कुछ निदान हो सके। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जीवन का नाम ही समस्याएं हैं, उस तमस को दूर करके, उन कांटों को दूर करके फूल बिछाना, यही तो जीवन का नाम है। इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे माँ, माँ भारती से प्रार्थना करें, सरस्वती से प्रार्थना करें। यहाँ माँ का मतलब माता से नहीं है, यहाँ माँ का मतलब निषेध है, नहीं, तमसः माँ ज्योतिर्गमय, हे परम शक्ति, हमें तमस से नहीं ज्योति की ओर गति प्रदान करो, तमस की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, ये जीवन अंधकार ही अंधकार है। इस प्रकार इन संस्कृत के महाकवियों ने जीवन के उज्ज्वल पक्ष को प्रस्तुत करके हमें एक उन्नत अभ्युदय भरा जीवन जीने के लिए महाकाव्य लिखे हैं। भारवी के महाकाव्य में बहुत ऐसी कौन सी बातें जो हमें काम की आएंगी, वो पढ़ेंगे। पढ़ाई के दरमियान मैं आपको बताऊँगा, उन श्लोकों का विश्लेषण करूँगा हिंदी में, संस्कृत में। लेकिन जानते हैं महाकवि भारवी कौन थे? प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सामने दिख रहा है परिचय, उसको आप महाकवि भारवी के परिचय को संक्षेप में जाने। महाकवि भारवी का मूल नाम दामोदर था। भारत के, हमारे भारतवर्ष के संस्कृत के महाकवियों ने अपने बारे में कुछ लिखने से परहेज किया है, बड़ा आश्चर्य है। इसमें कालिदास भी शामिल है। आज कितना अंतर आ गया, आज का कवि तो सबसे पहले अपना फोटो लिखता है, फोटो छापता है, जन्मस्थान कौन कहाँ से है, लिखना भी चाहिए, कोई कितना कोई बुरा विषय नहीं है। किंतु संस्कृत के महाकवियों का त्याग देखो, उनको अपनी लोकेशना से, उनको उनकी लोकेशना से कोई नहीं पड़ी है, उनको पब्लिसिटी नहीं चाहिए, उन्होंने पीढ़ियां बनाने वाला काम किया है। आने वाली पीढ़ियां इन मूल्यों को आत्मसात करें, जीवन में अपनाएं और मानव जीवन को धन्य करें, जो बड़ा रेयरली मिलता है मनुष्य जीवन। इस आशय से उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। कुछ लोग जो संस्कृत विरोधी हैं, वो समझते हैं कि संस्कृत में संपूर्ण साहित्य केवल धार्मिक है, ऐसा नहीं, उसका कुछ अंश धार्मिक हो सकता है। इसका बहुधा जो क्षेत्र है वो मानव मात्र के, चराचर सृष्टि के कल्याण के लिए है, उसमें ऐसे कोई धर्म संबंधी सामग्री नहीं है, पूजा पद्धतियों से भरा हुआ नहीं है संस्कृत साहित्य, उसका क्षण भर थोड़ा छोटा सा हिस्सा है। तो महाकवि भारवी जो इनका उपनाम था, वैसे भारवी शब्द का अर्थ होता है भारवे, रवे भा इति भारवे, अर्थात रवि की आभा, आलोक, प्रकाश, चमक, प्रभा, रवि की भा, सूर्य की चमक, महाकवि भारवी का ये उपनाम हो गया, उपनाम था। तो ये किसने रखा, क्या रखा, ये नाम किसने रखा, कब से, ये अलग बात है। किंतु इनका मूल नाम दामोदर था, दक्षिण भारत के थे। इनके जन्म, उनके व्यक्तित्व पर वैसे ही धुंधली छाया है, जैसे मैं भी कह रहा था कि संस्कृत के महाकवियों ने अपने बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। हम कालिदास की बात कर रहे हैं, कालिदास ने आपको खुल करके कहीं अपने जन्म के बारे में नहीं लिखा है, इतने सुंदर महाकवि लिख दिए, एक से बढ़कर एक, महासमुद्र के लघुत्र ही, बृहत्र ही, लघुत्री कालिदास के इतने महाकाव्य,
मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभव, इनको लघुत्तर ही कहा जाता है संस्कृत साहित्य की। जबकि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, ये संस्कृत साहित्य की महत् बृहत रही है। आकार में बड़े हैं इसलिए बृहत ये महाकाव्य बड़े हैं। कालिदास के महाकवि कालिदास के तीन जो महाकाव्य हैं वे आकार में छोटे हैं इसलिए उनको लघुत्तरी कहते हैं। तो महाकवि भारवी का मूल नाम दामोदर, ये कुशिक गोत्र में उत्पन्न हुए थे, कुशिक गोत्र में, और चालुक्यवंशी राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित के रूप में प्रसिद्ध थे। आप हमें पता होना चाहिए चालुक्यवंश दक्षिण भारत का रहा है और चालुक्यवंश में प्रसिद्ध राजा हुए विष्णुवर्धन, उनके आश्रित कवि थे। अब उन राजाओं ने उन विद्वानों की उस प्रतिभा को पहचान कर उनके अपने राज्य में आश्रय दिया, ये ही संस्कृत के प्रचार प्रसार का एक आश्रय बना। तो उनकी माता पिता का नाम श्रीधर, माता का नाम सुशीला, पिता का नाम श्रीधर, और एक और उनकी पत्नी भी थी रसिकवती। एक मत से सभी ने दक्षिण भारत उनका निवास माना है और शैव मतावलंबी थे, शैव थे। इस प्रकार दो प्रकार की किंवदंतियाँ मिलती हैं। ये जो उक्ति आप देख रहे हैं सहसा विदिदन क्रियाम, ये उक्ति ही महाकवि भारवी के उस जीवन वृत्तांत को, व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। कि ये सुक्तियों का जब उन्होंने कठिन समय में किसी को दे ली जिससे वित्त मिला, उनका परिवार चला, लेकिन जिसको मिली उसका उद्धार हो गया, वहाँ परिवार का नाश होने से बच गया। तो उक्तियाँ, ऐसी सुक्तियाँ एक नहीं, महाकवि भारवी के महाकाव्य किरातार्जुनीयम में सैकड़ों हैं। ये एक सुक्ति है जो प्रतीक बन गई महाकवि भारवी के काव्यत्व का, महाकाव्यत्व का। क्या मतलब है इसका? सहसा विनदित क्रियाम, अचानक एकदम आवेश में आकर के तुरंत शीघ्र कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई एकदम निर्णय लेकर के तुरंत किसी काम को अंजाम नहीं देना चाहिए। सहसा वेदित न क्रियाम, सहसा क्रियाम न वेदित, कोई कार्य करना है जो महत्व उद्देश्य वाला है, प्रयोजन है उसके, तो अनुष्ठान, ऐसा अनुष्ठान एकदम ताबड़तोड़ नहीं किया जाता है, उसके परिणाम पर, शुभ अशुभ परिणाम पर विचार करके धैर्य से उसकी संपन्नता निष्पादित की जाए। इस पूरा श्लोक के सहसा वेदित न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम, अविवेक परम आपदाम पदम अस्ति। अविवेक है, उचित अनुचित का के विवेक से रहित हो जाना, ये अच्छा ये बुरा है, ये करना ये नहीं करना है, अगर इस विवेक से आप शून्य होंगे तो पशु है वो। तो ऐसे ऐसा अविवेक परम आपदाम पदम, परम आपत्तियों का स्थान है, आपत्ति आनी है वहाँ पर, विपत्ति आनी है, समस्या आनी है, व्यक्ति प्रॉब्लम से घिर जाएगा। वृणुते है विमृश्य कारण गुणलब्धा एवं, ये पूरी श्लोक आएगा हम बताएंगे। हालांकि ये श्लोक महाकवि के क्या कहते हैं से प्रथम सर्ग में नहीं है, लेकिन महाकवि भारवी का प्रतीक है। इस कार्य का छोटा सा ही महाकवि भारवी के जीवन को बताने वाली कारिका है कि आखिर उन्होंने कठिन समय में अपनी एक श्लोक को किसी व्यापारी के यहाँ को रख करके, उसको दे करके कुछ मुद्रा प्राप्त की थी, और जिस व्यापारी ने उस मुद्रा को खरीदा था वह उस समय अपने पुत्र को जो कि गर्भ में था, उसकी पत्नी गर्भवती थी, आप उसका एकदम प्रामाणिक उल्लेख नहीं, लेकिन ये किंवदंतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं कि बालक छोटा था बिल्कुल, और वो श्रेष्ठी जो व्यापारी था उसने, जिसने सुक्ति खरीदी थी भारवी से
अपने घर पे रख करके उसको देशाटन करने के लिए बाहर जाना पड़ा और वो काफ़ी लंबे समय बाद आया अपने घर पर। तो उसने काफ़ी वर्षों बाद जब घर पे आया तो उसने खिड़की में से देखा कि देख तो लूँ पहले कि मेरा घर है, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई उसके साथ कहीं कोई छल तो नहीं हुआ है, आगे घर में कोई और तो नहीं रह रहा है इस आशय से। तो खिड़की में से घर के झरोके में से गवाक्ष में से देखने पर उसने अपनी पत्नी को तो पहचान, लेकिन पत्नी के पास में सोए युवक को देख करके उस श्रेष्ठी उस व्यापारी के मन में शंका ने स्थान बनाया और तुरंत उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी की हत्या कर देगा, जो मानवीय स्वभाव है, नहीं आना चाहिए। वैसे ये सूक्तियाँ इसीलिए लिखी हैं, जरा सा क्रोध आते ही तुरंत व्यक्ति मरने और मारने पर उतारू हो जाता है, आज की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर किरातार्जुन ने मना करता है, एकदम मत करो, सोचो ठंडे दिमाग से, उसके रिजल्ट पर, उसके परिणाम पर पहले पूछो तो सही। उस श्रेष्ठ व्यापारी ने जैसे ही उस युवक को देखा तो उसके अंदर क्रोध ने जन्म लिया और उसने पत्नी की हत्या करने पर वो विचार करने लगा, प्लान बनाने लगा, योजना। तुरंत उसकी नज़र सामने दीवार पर ये जो सूक्ति लटकी हुई थी उस पर पड़ी, जो रख के गया था ना भारवी से लेकर के, माँ के भारवी से लेकर के कुछ पैसे देकर के। इस सूक्ति को पढ़ने के बाद उसके मन में आया कि सहसा विदधित न क्रियाम, सहसा विदधित न क्रियाम, अचानक इस प्रकार कोई काम नहीं करना चाहिए। ये सुक्ति, भारवी की सुक्ति ने काम कर दिया उसके मन में, एक बार पूछ लूँ ये कौन है। पत्नी को पूछा जाए कि ये युवक कौन सोया है घर में। जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी उसके सामने नतमस्तक हो गई, आप हमें इतने समय तक छोड़ कर कहाँ चले गए थे, मैं तो आपके इस पुत्र को बड़ा करती हुई इन उम्मीदों में अभी भी। इसने बड़ा जब पता चला उस श्रेष्ठी व्यापारी को कि ये पास में सोया युवक उसका पुत्र है, तो उसका वो जो मन में योजना बना रहा था शर्मसार हो गया। उसने माफ़ी मांगी अपनी पत्नी से, मैंने क्या क्या सोच लिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे कि संस्कृत की उक्तियाँ कितना सामाजिक वातावरण बनाए रख सकती हैं, बिगाड़ने से रोक सकती हैं। आज के इस इंसान, वर्तमान के समाज में, मनुष्य के मन में इतनी विद्रूपता पैदा हो गई है कि ये मूल्य खत्म हो रहे हैं, जैसे दम घुट रहा हूँ मूल्यों का, ऐसा ऐसे में ये संस्कृत साहित्य के श्लोक और उनकी उक्तियाँ बहुत कारगर हैं, बहुत उपयोगी हैं। तो ये सहसा विदधित न क्रियाम, ये सूक्ति महाकवि भारवी के जीवन परिचय से जुड़ी हुई है। आज के वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की कथा स्वयं भारवी ने लिख, भारवी के जीवन परिचय से हमें पता चलती है, तो अविवेक परमापत्तियों का स्थान है। इस सुभाषित को दिल से लगा दिया उस व्यापारी ने और उसके बाद हम देखते हैं कि अपराध से विमुख करके भारवी के प्रति कृतज्ञ हो रहा हूँ। धन्य है कवि, धन्य उसकी सृष्टि, धन्य है विचार। कविता समाज में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने में, समाज की सृजनात्मकता को बनाए रखने में बहुत मदद करती है। तो महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम महाभारत वन पर्व के कैरातख्यान पर 18 सर्गों में लिखा हुआ है। कुछ और जानकारी आज मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ इसकी,
कि अब हम बात करते हैं, अभी जैसे अभी शक्ति आई थी, कौन सी शक्ति थी? सहसा विदधित न क्रियाम, सहसा विदधित न क्रियाम। हर कवि का अपना अपना कोई एक विशेष पक्ष होता है। महाकवि कालिदास किसके लिए जाने जाते हैं? विद्यार्थी जानते होंगे ना, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा अभिज्ञान शाकुंतलम, किसके लिए जाने जाते? उपमा के लिए। उपमा, उपमा कालिदासस्य, उसके बाद क्या था? भारवे अर्थ गौरवम, भारवे अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव। दंडी न पदलालित्य मर्मा के संति त्रयोगुणा, महाकवि भारवी की विशेषता उनका अर्थ गौरव है। ये नया शब्द है जो विद्यार्थी संस्कृत से, जिनकी ग्यारहवीं वाली में संस्कृत नहीं रही है उनके लिए, कि अर्थ गौरव। अर्थ गौरव का अर्थ है अर्थ का गौरव, अर्थात कम शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ। आपने हिंदी में सेनापति के बारे में सुना होगा ना, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो संस्कृत के श्लोक छोटे हैं, दो लाइनों वाले हैं, किंतु उनमें अर्थ इतना व्यापक विपुल अर्थ भरा हुआ है। ये ऐसे ही संस्कृत में कम शब्दों में श्लोकों में बहुत बड़ा समुद्र की तरह अर्थ छुपा हुआ है, उस भाव को कहते हैं विपुल अर्थ का सन्निवेश। स्वल्प शब्दों में विपुल अर्थ भरा हुआ हो, उस विधा को संस्कृत में अर्थ गौरव कहते हैं, अर्थ भर देना। श्लोक का दो प्रकार से महत्व होता है, एक तो उसमें शब्द शैली, भाषा शैली, उसके शब्द कैसे शब्द जो प्रसिद्ध हो जाए। प्रसिद्ध होने का मतलब कि लोगों में भा जाए, लोगों में प्रसिद्ध हो जाए। और दूसरा अर्थ की दृष्टि से, एक तो शब्द की दृष्टि से सुनने में अच्छा लगता है शब्द, और एक अर्थ, अर्थ की दृष्टि से महाकवि कालिदास, शब्दों की दृष्टि से महाकवि कालिदास, अर्थ की दृष्टि से महाकवि भारवी। इसलिए भारवे अर्थ गौरवम। तो प्रथम सर्ग में ही बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो महाकवि भारवी के कीर्ति कौमुदी को बहुत बड़ा चढ़ा कर प्रसिद्ध करते हैं। प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। आइए हम छंद की बात करें, तो छंद एक ही आया है और वह है पूरे प्रथम सर्ग में 46 श्लोकों में वंशस्थ छंद आया है। ये भारवी का प्रिय छंद है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, चार चरणों में क्रमशः जगन तगन जगन रगन, इस प्रकार 12-12 वर्ण होते हैं। वंशस्थ उनका प्रिय छंद है। प्रकृति का वर्णन भी है, प्रथम सर्ग में प्रकृति कम है। प्रथम सर्ग में दो प्रकार की बातें आई हैं, वह नेचर दुर्योधन की बातें सुनाता है युधिष्ठिर को, और फिर युधिष्ठिर अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी को जाकर कहते हैं, और द्रौपदी आग बबूला होकर के युधिष्ठिर को उद्दीप्त करने वाले वचन कहती है। ये विषय वस्तु है। आज के इस कालांश में आपको मैं भारवी का काव्यगत परिचय करने के उद्देश्य से बुलाया। एक और हम कल आपको काव्यगत विशेषताएं बताएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको हम और बताएंगे। इसके भारवी का एक और श्लोक है वो बता के फिर इसको समापन करते हैं। भारवी की शैली कठिन है, प्रिय छात्रों को ध्यान होना चाहिए। ना कोई भारवी की शैली नारियल के फल के समान है, ऊपर का जो कवर होता है ना कवच, वो बड़ा कठिन होता है, लेकिन अंदर जो निकलता है सफ़ेद वर्ण का, जो उसका गर्भ है, जो उसका जिसको तो लोकल भाषा में वागड़ी में उसको टोपरा कहते हैं, टोपरा, टोपरा बड़ा मीठा लगता है ना, लेकिन ऊपर का खोपड़ा बड़ा कठिन है। तो किसी ने महाकवि भारवी की शब्द भाषा शैली की तुलना नारियल के फल से की है। नारिकेल फल सम्मितम वजो भारवे सपदि तद विभज्यते स्वादयंत्र गर्भ निर्भरम सारमस्त्य रसिकाय कप्सितम।
कि जिस प्रकार उसके जो रस गर्भ होता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है और रसिकों को वो उसका अच्छा लगता है, उसका रस बड़े मजे से उसका आस्वादन करते हैं। ऊपर से बड़ा रुक्ष है, अंदर से बड़ा मृदु है, मीठा है। ऐसे ही भारवी के श्लोकों में शब्द और अर्थ को लेकर के जो जिन शब्दों का चयन किया है वो शब्द कठिन हो सकते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से वो बहुत मीठे हैं, सुरुचिकर हैं, उपादेय हैं। ये महाकवि भारवी के अर्थगर्व की विशेषता है। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि तद्विभज्यते, नारियल के समान होती है भारवी की शैली। तो आपको अगले वीडियो में और बताएंगे इनकी भाषा शैली के बिंदु, और फिर तुरंत किरातार्जुन के प्रथम सर्ग के श्लोकों को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। जो हिंदी व्याख्यानी है उसको पहले पढ़ेंगे, संस्कृत है उसके बाद में आएंगे। ओम।